हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे आरएच इनकंपैटिबिलिटी के बारे में और ये प्रेगनेंसी से संबंधित है। देखिए, इसमें क्या होता है कि अगर जो प्रेग्नेंट वुमन हो, अगर वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप है उसमें, जैसे कि बी नेगेटिव हो गया या ए नेगेटिव हो गया, कोई भी नेगेटिव ब्लड ग्रुप हो उसके साथ, अगर उसके पेट में पल रहा हुआ बच्चा अगर बी पॉजिटिव हो या फिर कोई भी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का हो, तो उसमें ये आरएच इनकंपैटिबिलिटी होने का संभावना रहता है। अब देखिए, जैसे कोई बंदा अगर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का हो, तो बी पॉजिटिव मान लीजिए, तो उसको एबी पॉजिटिव हम लोग ब्लड नहीं चला सकते। अगर चला देंगे तो उसमें एक रिएक्शन होता है, उसी को हम लोग इनकंपैटिबिलिटी रिएक्शन बोलते हैं। तो इसी तरह से जो आरएच जो हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग रेसेस फैक्टर बोलते हैं। तो मान लीजिए कि ए नेगेटिव, मान लीजिए अगर नेगेटिव ब्लड ग्रुप का मदर पहली बार जब प्रेग्नेंट होता है, तो उसका पेट में अगर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का बच्चा है, तो क्या होता है कि शुरुआती प्रेगनेंसी तो में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, वो नॉर्मली प्रेगनेंसी चालू रहता है। और फिर लेकिन उस टाइम पे क्या होता है कि जो गर्भाशय होता है और जो बच्चा होता है, आपस में एक चीज से जुड़ा रहता है, उसको हम लोग प्लेसेंटा बोलते हैं। तो क्या होता है, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो बच्चा बढ़ रहा होता है, तो वहां से उसका ब्लड प्लेसेंटा से होके उसका माँ का ब्लड में चला जाएगा, जो कि माँ नेगेटिव ब्लड ग्रुप का है। तो उस टाइम पे क्या होता है, जो माँ होता है, मदर जो प्रेग्नेंट लेडी होता है, उसके अंदर एक एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाता है। अब जब देखिए, फिर अगर दोबारा वो जब प्रेग्नेंट बनती है जो माँ, जो कि नेगेटिव ब्लड ग्रुप का है, और उसमें पहले प्रेगनेंसी के दौरान एंटीबॉडी बना हुआ रहता है, तो जब दोबारा प्रेग्नेंट होती है, तो क्या होता है, वो एंटीबॉडी बच्चा का शरीर में, जो दोबारा जो पला हुआ बच्चा गर्भाशय में जो पल रहा हुआ होता है, वहां पे उसका ब्लड में वो घुस जाता है एंटीबॉडी। तो क्या होता है, वो बच्चा का जो होता है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल कोशिकाओं को वो नष्ट कर देती है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं आरएच इनकंपैटिबिलिटी। तो फ्रेंड, अब बात करते हैं इसमें जब आरएच इनकंपैटिबिलिटी होता है तो क्या क्या होता है, इससे बच्चा को क्या हो सकता है कि एबॉर्शन भी हो सकता है, या बच्चा पेट में ही खराब हो सकता है, या जब जन्म लेता है जन्म से ही बच्चा मरा हुआ पैदा हो सकता है, उसको हम लोग स्टील बर्थ बोलते हैं। और साथ में अगर बच्चा पैदा भी हुआ तो बच्चा को जॉन्डिस हो सकता है, और जॉन्डिस ब्रेन में जॉन्डिस इतना ज़्यादा हो जाएगा कि ब्रेन तक पहुंच सकता है, उसको हम लोग कार्डियक टेरेस बोलते हैं। और साथ में बच्चा फूलने लगता है, बच्चा का फेफड़ा में, पेट में, लीवर में इत्यादि इत्यादि में पानी जम जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफिटालिस। तो जो कि गंभीर बीमारी होता है और इसमें बचने का संभव लगभग बहुत कम होता है। तो फ्रेंड, ये तो रहा इसका, जब आरएच इनकंपैटिबिलिटी होता है तो ये कॉम्प्लिकेशन ये सब रहता है। अब बात करते हैं कि इसको रोकेंगे कैसे। तो फ्रेंड, इसको रोकने के लिए एक सबसे आसान तरीका है, वो है एंटीडी मोनोक्लोनल इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन, उसको हम लोग एंटीडी इंजेक्शन भी बोलते हैं। तो ये हर एक सरकारी हॉस्पिटल में जब रूटीन प्रेगनेंसी आप जब डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, तो आपसे ब्लड ग्रुपिंग करवाया जाता है। अगर आप नेगेटिव ब्लड ग्रुप का है, तो फिर ये हम लोग एक रूटीनली हम लोग पेशेंट को देते हैं। तो देखिए, इसमें मान लीजिए अगर आपका पहला प्रेगनेंसी है, आप पहली बार अगर आप प्रेग्नेंट हो रहे हैं और आप ए नेगेटिव और आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, तो मान लीजिए किसी कारणवश अपने आप एबॉर्शन हो गया, या फिर आप हॉस्पिटल में जाके प्रेगनेंसी को एबॉर्शन अबॉर्ट करवा रहे हैं, या फिर आपका सिजेरियन सेक्शन हो रहा है, या फिर हॉस्पिटल में आपका डिलीवरी हो रहा है, या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी फट गया है,
एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में अलग से वीडियो मैंने डाला है, वो आप चाहे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है, वो आप दोबारा देख सकते हैं। या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई भी प्रोसीजर हो रहा है जिससे ब्लड से संबंधित होता है, तो ये सब केसेस में अगर आप नेगेटिव ब्लड ग्रुप के हैं तो भी हम लोग एंटीटी इस पर दिया जाते हैं। तो नॉर्मली अगर आप नेगेटिव ब्लड ग्रुप का है तो हम लोग इसमें 100 माइक्रोग्राम का इंजेक्शन लगाते हैं 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी और 34 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में, या फिर हम लोग एक सिंगल डोज 300 माइक्रोग्राम का एक इंजेक्शन लगाते हैं 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो फ्रेंड इस तरह से अगर आप पहला प्रेगनेंसी अगर आपका है, अगर आप नेगेटिव ब्लड ग्रुप का है, तो अगर आप एनटीटी इंजेक्शन लगाते हैं तो आप जब दोबारा प्रेगनेंसी होता है आपका, तो उस टाइम आरएच इनकम्पैटिबिलिटी होने का खतरा से आप बच सकते हैं ताकि आपका दूसरा प्रेगनेंसी अच्छा रहे और कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो फ्रेंड ये तो रहा छोटा सा जानकारी आरएच इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।